तेरे हवाले कर दिया। इसीलिए हम बताते हैं कि अगर इस लड़के के साथ अगर जो है कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो इस देश के साथ अन्याय होगा, इस युवा के साथ अन्याय होगा। हम बहुत दुखी हैं, बहुत हद से ज्यादा दुखी है। इतना न गर्मी हो गया कि हर जगह आगे लग रहा है, बताइए तब महाराज। तो भैया जी कैसन है आप? मेरा नाम रोहित और हम बिहार से हैं। जानता है तुम अच्छी करवाओ, समझा? प्लास्टिक सर्जरी तो छलना चूतिए, फिर ठीक हो जाएगा चेहरा तुम्हारा। चेहरा मेरा ठीक है जी, क्या बात कर रहे हैं, चेहरा है ना। देखिए गाइस, ये जो है ना ये बहुत ज्यादा कुंवारा है, ठीक है, हद से ज्यादा कुंवारा है। तो अगर कोई लड़की जो है आपके नजर में है तो इसका शादी करवा दीजिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि ये ठंडा जो है ये इसी तरह से गुजारे, चाहता है कि शादी हो जाना चाहिए इसका। तो जो लोग शादी करवाना चाहते हैं शादी करवाइए, ना तो जो लोग आखिरी बार भगवान से दुआ करना चाहते हैं इसके लिए आखिरी बार दुआ कर दीजिए, ठीक है। दोनों में जो पसंद है वो कर दीजिए, मगर कर दीजिए भाई, कर दीजिए। हद से ज्यादा कुंवारा, देखिए अभी उसको पाद आया इसलिए बाहर गया पादने के लिए, कार पर है गाइस, पूरा महक जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लूम कर जाएगा गाइस, ब्लूम। तो अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं खेतान मार्केट ना है? तो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं खेतान मार्केट, खरीदारी कुछ करना नहीं है, लंगठाई बतियाने के लिए जा रहे हैं और कुछ नहीं, बहेड़गिरी करेंगे अभी हम लोग। हाँ बहेड़गिरी करेंगे वहां पे जाके। अरे हमारे पीछे देखिए ये है कालेश्वर महतो, ये है दक्षियार भाभी, ये है बनमुही बहन। आप सबसे तो मिल ही चुके हैं, मिलवा ही दिए। और हमारे डलेवर साहब अभी गए हैं, बहुत जोर से उसको टट्टी आया हुआ है। गाड़ी चलाते कि चलाते बताइए, इंसान को टट्टी आ जाता है। देखिए आ गया प्रेम, हाय बोलो सबको। देख रहे हैं ना, ये दुआ देने वाला हाय बोल रहा है कि आप लोग दुआ कीजिए कि मेरी शादी हो जाए। चलिए, कभी कभी किसी को जोर से बाथरूम आया था, इसको जोर से शादी आया है, करवा दीजिए, ये आपको दुआओं में याद रखेगा। देखिए ये औरत खैनी खाती है, देख रहे हैं ना, अभी खैनी मांग रही है। अरे हाँ बताइए, एकदम जरा सा भी महिलाओं वाला इसको हरकत कुछ भी नहीं, खैनी मांग रही है, बताइए महाराज। चलते गाड़ी में खैनी मांग रही है, देख रहे, ये सब खैनी लवर है, खैनी से खैनी इनका पहला प्यार है। जिया मर्दनवा इसे इसे करके रगड़ रगड़ कर थाली मर मर के खाती है। खैनी आसान नहीं है कहना, तेरे बिना मैं रह पाऊंगा, सच में मैं मर जाऊंगा। मर जाओ, वैसे बताइएगा इसका गला आपको कैसा लगता है। आप लोग हमारे कई सारे वीडियोस में इसका आवाज सुनते हैं, तो अगर आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग इसको इंडियन आइडल तक भेजेंगे, नहीं तो साले को पाकिस्तान भेज देंगे। गजब बेइज्जती है, आज पाकिस्तान में मैच है। हाँ आज पाकिस्तान, आज इंडिया पाकिस्तान का आज मैच भी है गाइस। बेल्ट बांधिए तो पहले, अब हमका नारा में अथी में ट्राउजर में बेल्ट बांधे हम, गजब देख रही है गाइस, इसको बेल्ट कहा जाता है, ये बेल्ट है। अब बताइए हम ट्राउजर में कैसे बेल्ट लगा लें? हमने ना लगाए थे, तो तुम हमको कहे बोल रहे बेल्ट लगा लीजिए, किसको बोल रहे? देख रहे हैं थे लॉजिक कैसी होता है, ऐसी होता है। खैर चलिए, मगर आज हम आपको खेतान मार्केट जो है घुमाएंगे, नए नए लड़की से मिलाएंगे। हाँ जिसका जिसका शादी नहीं हुआ, जिसके जिसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है, उन लोगों से हम आपको दर्शन करवाएंगे, उन लोगों से नहीं, हम ऑप्शन दिलवाएंगे आपको कि आप इनसे शादी कर सकते हैं, इनसे शादी कर सकते हैं। हाँ जो लड़कियाँ बहुत ज्यादा कुंवारा है वो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, प्रेम भाई उबर वाले। हाँ जिनको प्यार होगा वो भाई नहीं कहेंगे, बस प्रेम उबर वाले कहिएगा। गैस मेरा अपना खुद का एक चैनल है जिसमें मैं अपना सिंगिंग वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, गैस नहीं गाइड। तो अगर आप लोग यदि हमें सपोर्ट करते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है सिंगर कैब वाला के नाम से, तो प्लीज वहां से जाके हमें फॉलो करें। और सबसे बड़ी बात है दूल्हा तो आपको मिलवे करेगा, साथ में सिंगरों मिलेगा, गा के लड़ेगा गे कुटी पानी नहीं नहीं नहीं। अच्छा गा के तुम जो है ना ऐसा मतलब कि कहो कि तुम किसी लड़की से नाराज है, गा के बोलना है तुम। देखिए खैनी खा के थूक फेंक रहा है। देखे ना, हाँ तो का
मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, इतनी तेरे नाम पे शुरू तेरे नाम पे खत्म। उसका नाम दुए अक्षर का हुआ था, दुए मिनट में था, दो मिनट नहीं दो सेकंड में खत्म। इस साला कैसा प्यार है यार, प्यार है कि घर से तुरंत ही खत्म। कोई बढ़िया वाला कोई गाना से प्रपोज। अच्छा अभी जो भी हमारा ऑडियंस देखा ना उसको तुम किसी को प्रपोज कर दो, जो अच्छा लग गया तुमको नंबर दे देना। हाँ तो गाइस ये आप सभी में से किसी एक के लिए हम गा रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। ओ सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे हो। तो देख रहे हैं तो जो भी इनकी सजनी है, सजना छोड़ के सजनी के लिए खाली ऑफर है, तो सजनी जो भी है इस सजना को जो है अगर आप अपना बनाना चाहते हैं तो आप प्रेम भाई उबर वाले आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत अच्छा लड़का है, गाता भी बहुत अच्छा है, कमाता भी बहुत अच्छा है। खाना तो पूजा ने भी खाना है, इसमें खाना है, मगर लड़का बहुत ले देगा, बहुत अच्छा है, देख लीजिए तब सोबर है, देख लेना इतना एकरा से सोबर हम आपको बता रहे हैं, कोई आपको नहीं मिलेगा। मायो बाप कहे बाप रे बाप क्या दमा ढूंढ के लाया है। नहीं तो आप लोग इसका जो है कुमारापन को दूर करिए, हो जाए कहीं देर न हो जाए। तो दोस्तों आप ऐसा दुल्हा पाने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे कमेंट बॉक्स में जो है बताएं जो इंटरेस्टेड है, हम ऐसे दुल्हा आपको दिलवाने में बहुत सहयोग करेंगे। और सच में कहीं आपको देर न हो जाए फिर आप चुप जाइए कि यार ऐसा दुल्हा हमको नहीं मिला, तो आप ये अफसोस ना करें। इसलिए हम आज आपके लिए लाए हैं खूबसूरत सा दुल्हा जो कि गाता भी बहुत खूबसूरत है। मैं तेरा रास्ता जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का अड़वा तेरे हवाले कर दिया, जो भी है सब मेरा तेरे हवाले कर दिया, जिस्म का तेरे हवाले कर दिया। उस सब जगह जो गर्लफ्रेंड है जिसके पास गर्लफ्रेंड मेरे पास है नहीं, तो रखा करो यार तुम। इस लड़का के पास गर्लफ्रेंड है, ये जो पीछे वाला एकरा पास गर्लफ्रेंड है बताइए। इसके पास देखिए इतना सोबर जैसा लड़का, अरिजीत सिंह का छोटा भाई नहीं है गाता है, ओकरा बावजूद इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है बताइए। हमको इस बात का बहुत प्रसन्न है, हमको दुख है कि इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं है बताइए यार। भगवान इतना ज्यादा अन्याय कैसे कर सकता है, बहुत दुखी है गाइस, बहुत हद से ज्यादा दुखी है। कभी तो कभी तो इसका दुखित में जो है आंसू निकल जाता है नहीं हो। इसीलिए हम बताते हैं कि अगर इस लड़के के साथ अगर जो है कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनी तो इस देश के साथ अन्याय होगा, इस युवा के साथ अन्याय होगा। तो गाइस हम लोग फटाफट अपने काम खत्म करके हम निकलते हैं घर की तरफ, तभी हमारी नजर पड़ती है इसकी तरफ। पहले तो हमने कुछ समझ में नहीं आया, बाद में हमको पता कि घरवा में आग लग गया है। जिंदगी में पहली बार हम इतना बड़का किरान देखे हैं, हम कहियो देखबो नहीं किए थे। आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे गाइस हमको बताइएगा जरूर कमेंट में। खैर हम निकलते अपने घर की तरफ और आप बताइए इस भाई का गाना आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा।